अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं फिर से आई हूँ आपके पास एक न्यू रेसिपी के रेसिपी लेके। ये हैं बेसन के गट्टे कह लें, बेसन के गोले कह लें, जिस फैमिली में जैसे बोला जाए इसे वही कह लें, बेसन के बनते हैं ये और हम लोग इसे बेसन के गोले कहते हैं। और ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट डिश है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब हमने लिया है ये ड्राई बेसन, आप देख रहे हैं 2 बड़े कप। उसमें मैंने डाले एक छोटी प्याज बारीक काट के, हरी मिर्च बारीक बारीक, और 2 चम्मच मैंने इसमें दही डाली है, और नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर डाला है इसमें, और मैंने मोटा मोटा कूट के इसमें ज़ीरा, मेथी दाना और कलौंजी डाली है इसके अंदर कूट के, ठीक है। और इसमें फिर हम डालेंगे ड्राई वाली ये मेथी। मेथी लाजमी हम इसमें डालेंगे, खुश्क मेथी आप डाल लें या फ्रेश जो लोग लेते हैं और उसको साफ़ करके खुश्क करके रखते हैं तो उसकी तो बात ही क्या है, लेकिन मेरे पास वो नहीं थी इसलिए फिर मैंने ये डब्बे की इस्तेमाल की। 2 चम्मच इसमें मैं भर के डालूँगी ऑयल के। ऑयल डालने से ये एक तो सॉफ्ट बनेंगे और अंदर से खुश्क नहीं होंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। फिर ये मैंने 1/2 गिलास इसमें पानी लेना है, पानी को हमने कम से कम यूज़ करना है। और फिर इसमें पानी बहुत कम यूज़ होता है, इसमें पानी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगर हम इसमें इसको ठीक नहीं रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हम इसमें पानी कम से कम डालेंगे। और इसको फिंगर्स की मदद से इतना सख्त हमने गूंदना है। देखें कहीं कहीं से तो ये आपको ड्राई भी लग रहा है, लेकिन हमने इसकी हर चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स करनी है ताकि इसके बेसन में हर चीज़ अच्छी तरीके से चली जाए। फिर हमने एक देगची में पानी को गर्म करना है, जब उसमें उबाल आ जाए हमने इस बेसन के गोलों की इस तरह शेप देकर, ज़्यादा आपने थिक नहीं रखने, और इसको उबलने के लिए रख देना है। फिर हमने एक साइड पर 2 टमाटर लेने हैं और 3 हरी मिर्चों को लेके ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लेना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे गोले पक रहे हैं और ना उबल रहे हैं, और हमने इसको चेक किया। फिर हमने एक बड़े साइज़ की प्याज लेनी है और उसे कटिंग, 4 चम्मच हमने बड़े लिए दही के, उसमें हमने मिक्स किए लाल मिर्च का पाउडर, नमक डाल दें हसबे ज़रूरत जो आपको पसंद हो, ये है धनिया पाउडर, ठीक है ये भी आप थोड़ा सा इसमें डाल दें, और ये है कसूरी मेथी ड्राई वाली। ये हम सब चीज़ें इसमें डाल के मिक्स करके इसको भी हम साइड पर रख देंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। अब हम देखेंगे गोलों को, गोले की जो पकने की जो कंडीशन होती है वो ये होती है, ये ऊपर आ जाते हैं, जब ये पक जाएंगे तो ये पानी में ऊपर आ जाएंगे। मैंने देखा वो ऊपर आ गए थे, मैंने एक एक करके इसको अलग निकाल लिया, और ये पानी जो है फेंकना नहीं है, इसको साइड पर रख दें। अब हम करेंगे गोलों की कटिंग। जो हमने पानी साइड पर रखा है उसको हम शोरबे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो आपने गोलों की कटिंग करनी है वो आप अपने हिसाब से करें, मैं बहुत ज़्यादा मोटी रख रही हूँ और ना ही आपने रखने हैं। उसके बाद हमने एक पैन लेना है और उसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद जो हमने 1 अदद प्याज को चॉप किया था, बड़ी प्याज को, वो हमने इसमें डाल देना है। डाल के इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है, जब वो हल्की ब्राउन हो जाए, ब्लैक नहीं करनी, जब वो हो जाए तो आपने उसमें 1/2 गिलास पानी डालना है ताकि वो मज़ीद और ना जले। और जो हमने टमाटर और हरी मिर्चों को पीसा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको भूनेंगे। फिर साथ ही हम इसमें 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का डाल देंगे और इसको डाल के अच्छी तरीके से भूनेंगे। जब हम देखेंगे कि ऑयल अलहदा हो गया है और वो अच्छी तरीके से भुन गया है, मसाला हमारा ऑयल उसने छोड़ दिया है अच्छे तरीके से, तो फिर हम इसमें वो दही डालेंगे जो दही हमने मसाले डाल के और अच्छी तरीके से फेंट के रखी हुई थी, हमने फेंटनी अच्छे तरीके से, वरना ना मसाले के अंदर वाइट वाइट चंक से आ जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो फिर आपने वो दही डाल देनी है, दही डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको 5 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि शोरबे में जो है वो वाइट वाइट चंक से ना आए, वो भूरे लगते हैं। और आप इसे अच्छी तरीके से भूनते रहेंगे, जब तक भूनेंगे जब तक ये मसाला ऑयल ना छोड़ दे। जब आप देखेंगे कि मसाले ने ऑयल छोड़ दिया,
अच्छे तरीके से भुन गया तो आप आधा गिलास इसमें पानी डालेंगे और वो पानी डालेंगे जो हमारा गोलों में से बचा था, वो मैं दिखाना भूल गई हूँ, आपने वो गोल वाला पानी डालना है। फिर जब ये बॉईल आ जाए तो आपने फिर ये जो बॉईल कटिंग करके हमने गोले रखे थे ये आपने इसके अंदर डाल देना और 5-7 मिनट के लिए कवर करके इसको रख देना है। जब आप देखेंगे बॉईल आ गया है तो हमारे टेस्टी गोले तैयार हैं और आप इसे प्लेट में डाल के सर्व करें। आपको लग रहा होगा इसका शोरबा पतला है, लेकिन बेसन है, बेसन इसमें डला रहेगा तो ये थिक हो जाएगा गोलों में, इसलिए थोड़ा अगर पतला भी है तो नो इशू। अगर मैं इसको पतला ज़्यादा गाती शोरबा तो वो ड्राई हो जाता। इसी के साथ मुझे दीजिए आप इजाज़त। रेसिपी मेरी कंप्लीट, मेरे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब कर दें मेरे, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करिएगा, इससे आपको मेरी न्यू वीडियो मिलती रहेगी। आप दें मुझे इजाज़त। आप अल्लाह हाफिज़।